टाइम गॉड को मिलने वाली है मिड वीक अविक्शन की पावर। आप बोलेंगे कि भाई खुशी रू क्या हमेशा ही बॉम्ब ब्लास्ट करती रहती है, कोई वीडियो ऐसी बना रही है कि कुछ ना कुछ नया ही ब्लास्ट होता है। हाँ भाई, नया ब्लास्ट करने के लिए ही मैं यहाँ पर बैठी हूँ कि कुछ चीज़ें आपके लिए मज़ेदार लेके आऊँ। आप लोगों को पता है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया अपने चैनल से कि दिग्विजय जो है वो टाइम गॉड बन चुका है। अब आप लोगों को बड़े बड़े चैनल भी जो है लाइव बैठ के बता रहे होंगे कि भाई दिग्विजय बन चुका है टाइम गॉड, अब देखेंगे। मतलब कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि आप लोगों को बताते रहते हैं, चीज़ें करते रहते हैं, बट सबसे पहले मैंने ही आप लोगों को बताया। और ये भी मैंने आप लोगों को बताया कि भाई सब लोग फर्जी चीज़ें कर रहे हैं, अविनाश बन गया, ढिंडोरा पीट रहे, डंका बजा रहे, अविनाश बन गया, अविनाश बन गया। क्यों बन गया अविनाश? क्योंकि पावर जो है विविन के पास थी, ऐसा था ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और फिर जब मैंने भी बताया ये चीज कि भाई दिग्विजय बन गया, मेरे ऊपर भी लोगों ने उंगलियां उठाई कि ऐनी झूठ बोलती रहती है, कैसे विविन के रहते हुए दिग्विजय कैसे बन जाएगा, अविनाश बनेगा? नहीं भाई, दिग्विजय ही बना है। अगर अब दिग्विजय बना है तो यानी कि वो टाइम गॉड बन चुका है। तो मिडवीक अविक्शन इस बार की बात नहीं कर रही हूँ, आने वाले दिनों में। देखिए, पहली बात ये है कि मेरे हाथ में एक अपडेट लग रही है और ये मेरे सोर्सेस से नहीं है, अलग कुछ सोर्सेस से है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले दिनों में ही हम लोगों को पता चलेगी। ऐसे तो पता चलने वाली है नहीं, क्योंकि ये फ्यूचर की बातें जो है बोली जा रही हैं। बताया ये जा रहा है कि मिडवीक अविक्शन जो है होगा आने वाले दिन में, और पावर जो है टाइम गॉड को दी जाएगी। डेफिनेटली टाइम गॉड रहेगा दिग्विजय। और उस हफ्ते जो लोग नॉमिनेट रहेंगे, यानी कि अगले हफ्ते जो नॉमिनेट रहेंगे, और नॉमिनेशन की भी पावर जो है किसको देंगे? ऑफ कोर्स टाइम गॉड को देंगे। तो टाइम गॉड के लिए एक सेट बनाया जाएगा, टास्क करवाया जाएगा, और वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा, हालांकि उसमें है नहीं है, तो उसके हिसाब से जो है वो अपने दोस्तों को बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा, ये भी फ्यूचर ही बताएगा। पर उस हफ्ते जो नॉमिनेट रहेगा, उस नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में से किसी एक की एलिमिनेशन पावर जो है वो बिग बॉस जो है दिग्विजय को देंगे। अगर ये चीज़ सच्ची है ना, सही है ना भाई, वो तो हम लोगों को फ्यूचर में पता चलेगा। पर इतनी बड़ी पावर जो है डिजर्व नहीं करता दिग्विजय। ये 19 दिन हुए हैं उसको आए हुए, 19-20 डेज हुए हैं उसको आए हुए, और किसी एक को वो एलिमिनेट कर दे, और उसका टारगेट कौन है? अविनाश है। उसका टारगेट कौन है? विविन है। उसका टारगेट कौन है? एलिस है। तो यही सब लोग रहेंगे जो कि एक्चुअली में उसके टारगेट में, उसके निशाने में रहेंगे। और अगर बिग बॉस को इन लोगों को निकालना है, तो मुझे तो नहीं लगता कि भाई ये लोगों को निकालना चाहेंगे, या कोई भी ऐसी एलिमिनेशन पावर जो है दिग्विजय को मिलेगी। नॉमिनेशन की पावर दे दो, एलिमिनेशन पावर तो एक्चुअली में किसी को नहीं मिलनी चाहिए, इवन विविन को भी मिलनी चाहिए। सच्ची बात बोलूं, विविन को भी नहीं मिलनी चाहिए ये, क्योंकि इनके हाथ में ये पावर होनी ही नहीं चाहिए, ये पावर डिजर्व ही नहीं करते हैं। निकालना नहीं निकालना किसी को इस शो से, वो सिर्फ और सिर्फ जनता का हक होना चाहिए, क्योंकि ये जनता का शो है। क्या कहते हैं आप लोग, बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत। नमस्कार।